आज हमने त्योहारों में बना सके ऐसी वेजिटेबल थाली बनाई है। इस थाली में बनाई हुई सभी डिश का टेस्ट इतना लाजवाब है कि घर वाले हो या मेहमान, जो कोई भी इस थाली का स्वाद चखेंगे तो आपसे एक बार जरूर पूछेंगे कि ये कैसे बनाया और आपकी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं। तो इस थाली में आज हमने बनाया है पनीर मुगलाई, आलू कसूरी, दाल फ्राई, बासुंदी, पूरी, खमन ढोकला, राइस और साथ में पापड़ सर्व किया है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। पहले हम दाल को भिगो लेते हैं। 1 कप तूर दाल है, इसे कुकर में डाल देंगे। पानी डाल के इसे 3 बार धो लेते हैं। दाल को हमने 3 बार पानी से धो लिया है, इसमें 4 कप पानी डाल देंगे। आधे घंटे के लिए दाल को भिगो के रखेंगे। पूरी का आटा गूंथ लेते हैं। 2 कप गेहूं का आटा लिया है। 2 टेबलस्पून सूजी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तेल, मिक्स कर लेंगे। आधा कप मलाई वाला दूध लिया है, इसे आटा गूंथ लेते हैं। दूध वाला कप में ही हमने आधा कप पानी ले लिया है, इसे आटा गूंथ लेंगे। पूरी का आटा हमें मीडियम सॉफ्ट रखना है। आधा कप पानी हमने लिया था, इसमें से 1 टेबलस्पून जितना पानी रह गया है। आटा हमने गूंथ लिया है, इतना सॉफ्ट रखना है। पूरी का आटा एकदम सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून तेल डाल के चिकना कर लेंगे। ढक्कन लगा के इसे 15 मिनट रेस्ट देंगे। सब्जी में हम मुगलाई पनीर बना रहे हैं तो इसकी पेस्ट की तैयारी कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून मगजतरी का सीड्स, 6 कली लहसुन और 1 अदरक का टुकड़ा है और 2 बड़े टमाटर लिया है। इसे हम कुकर में डाल देते हैं। प्याज और टमाटर को चॉप करके कुकर में डाल देंगे। प्याज और टमाटर को चॉप करके कुकर में डाल दिया है और मगजतरी सीड्स काजू को भी डाल देंगे, लहसुन को भी डाल देंगे, अदरक को चॉप करके डाल देंगे। 3 कश्मीरी मिर्ची का हमने सीड्स निकाल लिया है। 1 टीस्पून जीरा, आधा कप पानी डाल देंगे। 3 सीटी तक इसे कुक कर लेते हैं। दाल को भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका है। 1 टेबलस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून तेल डाल देंगे। तेल डालने से दाल का पानी कुकर में से बाहर नहीं आएगा। दाल को कुक करने के लिए तेज आंच पे हम 2 सीटी लगाएंगे और आंच धीमी करके इसे 5 मिनट तक कुक कर लेते हैं। दाल का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हमने 4 हरी मिर्च, 6-7 कली लहसुन और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे मिक्सर जार में डाल के रफली पेस्ट बना लेते हैं। दाल बॉईल हो गई है तो इसका हम मसाला बना लेते हैं। 1/4 कप तेल गरम करेंगे, लगभग 3 से 4 टेबलस्पून। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का मसाला क्रश किया है, ये डाल देंगे। मसाले को लाइटली सौते कर लेंगे, धीमी आंच पे इसे सौते करेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा, मीडियम आंच पे 1 मिनट जीरा को भी साथ में भून लिया है। आधा कप बारीक चॉप प्याज, प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक सौते कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के इसे लाइट गोल्डन ब्राउन सौते कर लिया है। आधा कप बारीक चॉप टमाटर डाल देंगे, 1 बड़ा टमाटर लिया है। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसे कुक कर लेते हैं। धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए इसे कुक किया है और बीच में हमने 2 से 3 बार चला लिया था। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। 8-10 करी पत्ता, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे मसाले को। मसाला सौते हो गया है। दाल को हमने कुक कर लिया था, ये अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल में एक बॉईल आ जाए तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेते हैं।
दाल में एक बॉईल आ गया है तो इसे आंच धीमी करके 2 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए दाल को धीमी आंच पे कुक कर लिया है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देंगे, 1 टेबलस्पून बटर। दाल फ्राई रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। सब्जी के लिए पेस्ट बना लेते हैं। एक बड़ा प्याज को हमने फ्राई करके इसका बिरस्ता बनाया है। इस तरह से हमें इसका बिरस्ता बना लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। फ्रेश दही डालेंगे 2 टेबलस्पून। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इसकी पेस्ट बना लेंगे। पनीर मुगलाई सब्जी के लिए हमने प्याज, टमाटर, काजू और मगजतरी ये सब बॉईल किया था, इसकी भी हम अलग से पेस्ट बनाएंगे। इसे भी मिक्सर जार में डाल के क्रश कर लेते हैं। दोनों पेस्ट हमने बना के रेडी कर ली है। ये तला हुआ प्याज था, हमने दही के साथ इसकी पेस्ट बनाई है। और पेस्ट हमें रफली पेस्ट बनानी है, ज़्यादा स्मूथ पेस्ट इसकी नहीं करनी है। और ये प्याज और टमाटर बॉईल किया था, इसकी पेस्ट है, इसे हमने स्मूथ पेस्ट बना लिया है। चावल बनाने के लिए हमने 8 कप पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और ये बॉईल हो गया है। 2 कप बासमती चावल को हमने 3 बार पानी से धो के आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था और पानी इसका हमने निकाल दिया है। ये अंदर डाल देंगे। चावल में 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। चावल में अगर आप नमक नहीं डालते हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। 2 टीस्पून तेल डालेंगे। 10 मिनट के लिए चावल को मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे और इसके बाद इसका पानी निकाल लेंगे। मुगलाई पनीर की सब्जी बनाएंगे। 2 टेबलस्पून घी हमने पैन में डाल दिया है। 1 टीस्पून तेल डालेंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। मिर्ची पाउडर को लाइटली भूनेंगे, जलना नहीं चाहिए। प्याज और टमाटर की पेस्ट डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। चावल हमने कुक करने के लिए रखा था, ये भी कुक हो गया है तो इसका हम पानी निकाल लेते हैं। एक स्ट्रेनर में डाल के हमने पानी निकाल लिया है, इसे वापस हम टॉप में डाल देते हैं। चावल भी रेडी हो गए हैं, इसे ढक्कन लगा के रखेंगे। 2 मिनट धीमी आंच पे सौते कर लिया है। फ्राइड प्याज की पेस्ट बनाई थी, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून मुगलाई मसाला। आपके पास ये अगर नहीं है तो इसके बदले में आप गरम मसाला डाल दीजिए। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून किचन किंग मसाला। मिक्स कर लेंगे। मसाले को 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। 1/2 कप पानी मिक्सर जार में डाल के ले लिया था, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पे ग्रेवी को 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ग्रेवी रेडी हो गई है। पनीर और कैप्सिकम को सौते कर लेते हैं। पैन में हमने 1 टेबलस्पून घी डाल दिया है। 1 बड़ी शिमला मिर्च का डाइस करके लिया है। 250 ग्राम पनीर का क्यूब है। 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून नमक। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे नहीं तो पनीर का क्यूब जो है वो टूट जाएगा। 1 मिनट के लिए इसे सौते कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट सौते कर लिया है। इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे। 1/4 कप पानी हमने पैन में डाल के ले लिया है। मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून चीनी डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून मलाई डालेंगे, इसके बदले में आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे।
दो टेबलस्पून हरा धनिया, मुगलाई पनीर की सब्जी रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। आलू कसूरी सब्जी बनाएंगे, इसके लिए हम पहले पेस्ट बना लेते हैं। एक मीडियम प्याज है, आधा कप प्याज की स्लाइस, चार हरी मिर्च, तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, दो टेबलस्पून हरा धनिया, तीन चौथाई कप फ्रेश दही डालेंगे। दही हमें खट्टा नहीं लेना है, एकदम फ्रेश ही लेना है। एक टीस्पून नमक, दो टेबलस्पून कसूरी मेथी, एक चौथाई टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, एक चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे क्रश करके स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। जीरा डालने का हम भूल गए हैं, तो अंदर एक टीस्पून जीरा डाल के इसे क्रश कर लेते हैं। आलू कसूरी सब्जी बनाएंगे, दो टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। 250 ग्राम आलू को हमने बॉईल करके इसका बड़ा पीस करके रखा है, ये डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आलू को हम सौते कर लेते हैं। आलू को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन सौते कर लिया है, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। यही पैन में हम एक टीस्पून तेल और डाल देते हैं, पेस्ट हमने बनाई है ये डाल देंगे। तेल सेपरेट हो जाए तब तक हम पेस्ट को सौते कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे मसाले को हमने सौते कर लिया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। एक कप गरम पानी को हमने मिक्सर जार में डाल के ले लिया है, ये अंदर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, ढक्कन लगा के धीमी आंच पे ग्रेवी को 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। 3 मिनट के लिए ग्रेवी को हमने धीमी आंच पे कुक कर लिया है। आधा कप गरम दूध डालेंगे, धीमी आंच पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 मिनट के लिए ग्रेवी को हम कुक कर लेते हैं। आलू हमने कुक किया था ये डाल देंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी हमें सब्जी में इतनी पतली रखनी है। सब्जी जब ठंडी हो जाएगी तब ये आलू ग्रेवी को थोड़ा सॉक कर लेते हैं, तो ग्रेवी गाढ़ी बन जाएगी। गैस ऑफ कर देंगे, आलू कसूरी सब्जी रेडी है। अभी हम पूरी बना लेते हैं। आटा हमने गूंथ के रखा था, इसे 1 मिनट के लिए मसल लेते हैं। इस तरह से लंबा रोल बना के इसकी लोई तोड़ लेते हैं। इस तरह से राउंड बॉल बना के फ्लैट कर लेंगे। इस तरह से पूरी की लोई बना लेते हैं। पूरी बेल लेंगे, इस तरह से हम सभी पूरी बेल लेते हैं। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया है, गरम हो गया है, पूरी तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से सभी पूरी को फ्राई कर लेते हैं। एकदम आसान तरीके से त्योहार में बना सके ऐसी थाली हमने रेडी कर ली है। ये मोगलाई पनीर, आलू कसूरी, दाल फ्राई, क्विक बासुंदी हमने बना के रेडी रखी थी, ये साथ में सर्व की है। साथ में हमने पापड़ सर्व किया है, खमन ढोकला हमने बना के रखा था ये सर्व किया है, राइस और पूरी। इस तरह से हमने ये थाली बना के रेडी कर ली है। क्विक बासुंदी और खमन ढोकला की रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।